छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर। मेरा नाम हमजा अज़र है और मैं UMT से मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। तो एक दिन मैंने अपने दोस्त के साथ शेयर की ये बात कि मेरी इस तरह से आवाज़ है और मैं इस तरह गा सकता हूँ। तो पहले तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील हुआ कि क्या सोचेगा ये इस तरह गा रहा है ये वो, तो क्योंकि मुझे मेल वॉइस में भी काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद थी, मैं क्योंकि उसमें ज़्यादा काफ़ी सिंगिंग करता रहूँ। ये मेरी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट है जब मुझे वाकई इस चीज़ का पता चला कि मेरे में इस चीज़ का भी टैलेंट है। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। शुक्रिया। बहुत से लोग इसको स्टेरियोटाइप भी कहते हैं, लेकिन मेरे मुताबिक आप तब तक डरते हो जब तक आप खुद से ये लोगों से झूठ बोलते हो और छुपाते हो। जब आप अपने डर पे अबूर हासिल कर ले तो फिर आपको सिवाय अल्लाह की ज़ात की और किसी चीज़ से डर नहीं लगता। हर ज़ुल्म तेरा याद है, भूली तो नहीं, ऐ वादा फरामोश तुझसी तो नहीं हूँ। बहुत सपोर्टिव हूँ मैं इस चीज़ के मामले में कि अगर किसी के पास कोई यूनिक टैलेंट है तो उसको हम सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए ताकि उसको और मोटिवेशन मिले, ताकि वो एक बड़े लेवल पे जाकर अपनी चीज़ को पोर्ट्रे कर सके, क्योंकि अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करना ही सबसे मुश्किल तरीन बात है। चले जाना। अगर किसी में इस तरह का टैलेंट होता है तो उसको उतना ही लोगों के आगे आके एक्सपोज होना चाहिए ताकि लोगों को इससे मोटिवेशन मिले। इनको इनकरेज करना एक बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को अपना टैलेंट शो करने के बहुत से मौके मैसर आएँ और उनको अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारने को मिले। सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाज़िश करम मेहरबानियाँ। I was shocked, मैंने जब हमजा को पहली दफ़ा क्लास में लड़कियों की आवाज़ में गाते हुए सुना। वो एक लड़का है, उसे लड़कों की तरह से ही गाना चाहिए, ना कि वो लड़कियों की आवाज़ में गाए, और उसकी लड़कों की आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। और मर्दों को इस तरह से काम करना नहीं चाहिए, अब वो मर्द है तो उसे मर्दों की आवाज़ में गाना गाना चाहिए, ना कि लड़कियों की आवाज़ में गाए। ढांप रहे थे फिर गिर पड़े, कोई मिला ना दोबारा क्या करे। हमारी सोसाइटी जो है वो जेंडर्स को दो चीज़ों में बिल्कुल जो है वो तकसीम कर देती है, लाइक ये कलर्स जो हैं वो लड़कों के लिए हैं और ये जो हैं वो लड़कियों के लिए हैं। कर दे कोई नवाजिश करम मेहरबानिया। मेरा मैसेज जो बाकी सारी लोगों को बस यही है कि आपको जो जो चीज़ अल्लाह मियां ने ब्लेस्ड की है आप उसको छुपाएं नहीं, चाहे वो कुछ भी है, आप उसको मजीद से मजीद तर पॉलिश करें और इस सोसाइटी के जो ये बैरियर्स हैं इनको ख़त्म करके उसको प्रेजेंट करें, अपने आप को प्रेजेंट करें, क्योंकि कुछ तो लोग हैं और लोगों का काम है कहना। कुछ और भी दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी।